जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गुजरात से हूं, लेकिन मां कसम मैं झूठ नहीं बोलता। गुजरात की धरती बहुत कमाल की, यहाँ सत्य के प्रयोग करने वाले गांधी भी हुए और झूठ का प्रयोग करने वाले मोदी भी। ये रेंज आपको केवल गुजरात में मिल सकती है। माल्यार्पण करेंगे और साथ ही जिग्नेश बनेंगे। कॉमरेड जिग्नेश को लाल सलाम, कॉमरेड जिग्नेश को लाल सलाम। मोदी खाए सारे आम, हमें चाहिए बड़ा राम। मंच पर उपस्थित सभी साथी, सारे वक्ता, सीपीएम के पदाधिकारी, साथी कॉमरेड सुहासिनी जी, हमारे प्रत्याशी ईमानदार जुझारू लड़ाकू प्रत्याशी कॉमरेड अमरा राम जी, साथी स्वरा भास्कर, और आप तमाम लोग जो सीकर के कोने कोने से आए हैं, आप तमाम लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, लाल सलाम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गुजरात से हूं, लेकिन मां कसम मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और आज दूसरा गुजराती भी यहां पर आया है, तो अब हम करीब करीब सारी जनसभा में एक बात कहते हैं, वो भी आपके बीच में रखना चाहेंगे कि गुजरात की धरती बहुत कमाल की है। यहां सत्य के प्रयोग करने वाले गांधी भी हुए और झूठ का प्रयोग करने वाले मोदी भी। ये रेंज आपको केवल गुजरात में मिल सकती है। साथियों, चाहे योगेंद्र यादव जी हो, स्वरा हो, हम हैं, हम लोग आज यहां पर क्यों आए? जब कोई ये कहता है कि राजस्थान और किसान, तो आंखों के सामने एक ही तस्वीर नजर आती है, वह कॉमरेड अमरा राम की। सिर्फ एक तस्वीर नजर आती है, और ये उन्होंने अपना भी पसीना बहाकर अपनी लड़ाई, लगन, ईमानदारी और दशकों के संघर्षों के जरिए उन्होंने अपना ये नाम और आबरू कमाया है। आज मैं इस मंच पर से कहना चाहता हूं, मोदी जी भी यहां पर है, सीकर में है, वो भी गुजराती, हम भी गुजराती, लेकिन कुछ अच्छा काम किए होते तो इस मंच पर से कहते कॉलर खड़ा करके कि मोदी जी हमारे हैं, लेकिन कहना पड़ रहा है कि ये वो मोदी जी है जिन्होंने गुजरात की नाक कटवाई है। नाक जिस दिन वो पहली बार बोले कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तभी हम समझ गए थे फेंका, तभी हम समझ गए थे ये भारी गोले के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन साथियों, जैसा कि योगेंद्र जी, साथी स्वरा ने एक इमोशनल अपील के साथ कहा, हम भी यही बात कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, सीकर में सिर्फ अमरा राम जी की जीत होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये इसलिए कह रहे हैं कि यदि अमरा राम जी जीते तो केवल सीकर या राजस्थान नहीं, पूरे भारतवर्ष के किसानों की आवाज को इस मुल्क की पार्लियामेंट में बुलंद करें। सुना है कि मोदी जी रोज 80,000 का मशरूम खाते हैं, और दूसरी तरफ लाखों की तादाद में ऐसे मजदूर हैं, किसान हैं, जिनको 80,000 रुपये की खातिर सुसाइड करना पड़ रहा है। अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान न प्रधानमंत्री के तौर पे, न गुजरात के सीएम के तौर पे, जीवन में कभी मोदी जी प्रियंका चोपड़ा की शादी में गए हैं, लेकिन आत्महत्या करने वाले किसान के घर की मुलाकात नहीं। यानी कि किसानों के लिए
नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कोई भी हमदर्दी नहीं। आज इस मुल्क में सारी पॉलिटिकल पार्टियां रिस्पॉन्सिबल इस बात को लेकर कि पिछले 22 साल के दौरान 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। एक मुल्क के तौर पे, एक समाज और राष्ट्र के तौर पे इससे बड़ी चिंता और शर्म का विषय क्या हो कि जिस किसान के खून और पसीने से पैदा हुआ बाजरा हम खाते हैं उसी किसान को सुसाइड करना पड़ता है। मुझे लगता है ये भारत की 130 करोड़ जनता के लिए सबसे बड़ी चिंता का कोई विषय है तो वो दो है। एक, दलित समाज का एक तबका आज भी घूमे हाथ डालने के लिए मजबूर है, मेला उठाने के लिए मजबूर है, और दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी शर्म और चिंता का विषय यह है कि इस मुल्क के किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। और साथ ही अमरा राम जी एक उम्मीद का प्रतीक है। आज राजस्थान में जब किसानों के सवालों की बात आती है तो सबसे बड़ा विपक्ष कोई होता है किसानों के लिए तो वो कॉमरेड अमरा राम जी होते हैं। आज हमारे बीच में राष्ट्रवाद के नाम पे आज मोदी जी कुछ बोलेंगे उल्टा सुल्टा, झूठ भी बोलेंगे और हिंसा और नफरत फैले ऐसा कुछ बकवास भी करेंगे। हम तो उनकी नस नस से वाकिफ है ना भाई, गुजरात से है तो झूठ भी बोलेंगे और नफरत फैले ऐसा भी कुछ बोलकर जाएंगे और ये भी कहेंगे कि हमको इसलिए वोट दो कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। लेकिन आप तमाम लोगों के बीच में ये कहना चाहते हैं कि पुलवामा में जो शहीद हुए हमारे जवान, उन जवानों ने कहा था कि हमको सड़क मार्ग से नहीं, हमको हवाई मार्ग से आप ले जाइए, ये उनका डिमांड था। उन्होंने सरकार को ज्ञापन दिया था कि हमको सुरक्षित तरीके से हवाई मार्ग से आप ले जाइए। हमारी खुफिया एजेंसियों ने, गुप्तचर विभाग ने भी लिखा था यदि इन रास्ते से ये जवान गुजरे तो वहां उन पर हमला होने की आशंका है। इन सब के बावजूद 40 से ज्यादा हमारे जवान मारे गए और हमारा प्रधानमंत्री इस बात का गौरव लेने के लिए पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहा है कि हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया इसके लिए वोट दो। हमको ये कहना है इस मुल्क की जनता के तौर पे जात पात धर्म को साइड में रख के कि मोदी जी पुलवामा के लिए सबसे पहले आपको दो हाथ जोड़कर इस मुल्क की जनता की माफी मांगनी चाहिए। आपका सिर शर्म से झुकना चाहिए कि आप 56 इंच के सीने का दावा तो करते रहे लेकिन इस मुल्क के न किसानों को बचा पाए, न मजदूरों को बचा पाए, न छात्र नौजवानों को बचा पाए, न पुलवामा के उन सैनिकों को बचा पाए जो हवाई मार्ग से जाना चाहते थे। आज इस मुल्क की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं तो मानता हूं रोजगार से भी बड़ी समस्या यह है जिसके बारे में कभी बात नहीं होती, वो है भुखमरी। आज भी इस मुल्क में 80 करोड़ से ज्यादा लोग रोज के 20 रुपये से कम में गुजारा करने पर मजबूर है। रोज के 20 रुपये में क्या होगा? रोज के 20 रुपये में दो चाय नहीं आएगी। ये किसका आंकड़ा है? ये भारत की सरकार का आंकड़ा है। आप मोदी जी कितना भी हिंदू मुसलमान की बात करें लेकिन आप इस मुल्क की गरीब मजदूर मजलूम जनता को दो वक्त की रोटी भी नहीं सुनिश्चित कर पाए। और आप जब, हम जब कहते हैं कि 80 करोड़ लोग रोज के 20 रुपए से कम में गुजारा करने के लिए मजबूर हैं, 50 करोड़ लोगों के सर के ऊपर शेल्टर नहीं, उनके माथे पर छत नहीं, 60-70 करोड़ मजदूरों को उनके पसीने का हिस्सा नहीं मिलता, उनको न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता, तो ये सब भुलाने के लिए आप कहते हैं बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि ना कछु देखा राम भजन में, ना कछु देखा पोथी में, कहत कबीर सुनो भाई साधु जो देखा दो रोटी में।
ये रोटी का सवाल है, रोटी कपड़ा और मकान का सवाल है, शिक्षा और चिकित्सा का सवाल है, 2 करोड़ रोजगार का सवाल है। जीएसटी और नोटबंदी की पॉलिसी के चलते जिन लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार छीना गया, ये वो असली मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर 2019 का चुनाव लड़ा जाइए, बनारस में भी और सीकर में भी। आज 56 इंच के सीने का पूरा फुस्स हो गया जब एक हमारा लश्कर का जवान तेज बहादुर यादव उनके सामने खड़ा हो गया। एक तेज बहादुर यादव जी को आपने अपने सामने मुकाबला करने दिया होता तब आपको पता चलता कि 56 इंच का सीना आपके पास है या उस जवान के पास है। लेकिन आपने अपनी दादागिरी दिखाकर, सत्ता का दुरुपयोग करके, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके, चीजों को मैन्युपुलेट करके उनका नामांकन रद्द करवाया। हमको भी मालूम है, हम भी जब चुनाव लड़े तो प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ अफसरों पर फोन आते थे। आज पहली बार खुलकर बता रहे कि जिग्नेश के नामांकन के पर्चे में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट फाड़ दो, बाकी का बाद में हम सब देख लेंगे। पहली बार किसी जनसभा में कह रहे हैं। तो यह आपको क्यों करना पड़ रहा है? यह इसलिए करना पड़ रहा है कि आपका झूठ न पकड़ा जाए। आज 2 करोड़ युवा को हर साल रोजगार देने का वचन दिया था, अब तक इन 5 साल के दौरान कम से कम 10 करोड़ युवा को रोजगार मिलना चाहिए था। 10 करोड़ का 10% होता है 1 करोड़, और उसका 1% होता है 10 लाख। मोदी जी घोर निष्फलता के प्रतीक के अलावा कुछ नहीं, वो 1% युवा को भी रोजगार नहीं दे पाए। बल्कि उनके शासन के दौरान जो गांव में बसने वाली जो गरीब जनता है, जो रोज के 20 रुपए से कम में गुजारा करने के लिए मजबूर है, उनको थोड़ी बहुत सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली जो सरकारी योजना थी नरेगा, जिसके बारे में लोग पहले से ही कहते थे न रहेगा, उस नरेगा को खत्म कर दिया। 50-60 हजार करोड़ के बजट की रिक्वायरमेंट थी, 500 करोड़ के अलावा नरेगा योजना के लिए मोदी के पास कुछ नहीं था। मोदी साहब, हम भी कहते हैं कि आपका सीना 56 इंच का है, यदि आपने नरेगा को 100 के बजाय 300 दिन का करके दिखाया हो, जो रोज मिले उसी को तो रोजगार कहते हैं। इस मुल्क की कौन सी वो पार्टी है जो ये कहने को तैयार हो कि नरेगा को 100 नहीं 365 दिन लागू करके दिखाएंगे। आज 45 साल में नहीं थी इतनी महंगाई हमारे देश में अंदर, इतनी बेरोजगारी हमारे मुल्क के अंदर है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, चलिए हमने आपको माफ कर दिया, कि युवा के तौर पे भी माफ कर दिया। लेकिन जो 24 लाख सरकारी नौकरियां आप सैंक्शन करके रखी है, उसमें भर्ती करने में आपको क्या तकलीफ थी? सरकारी नौकरियां भी हमको नहीं मिली, और नाटक किया सफाई कर्मियों के पैर धोने का। 14 अप्रैल का दिन आया नहीं कि नीले रंग का बढ़िया वाला कुर्ता सिलाकर, होठों पे जय भीम का नारा लगाकर बाबा साहब के पुतले के पास मोदी जी फोटो खिंचवाने चले गए। लेकिन जो ऊना के पीड़ितों को कहा था गुजरात के मुख्यमंत्री ने, ऊना जाकर कि आपको 5 एकड़ खेती की जमीन देंगे ताकि आपको दोबारा मृत पशुओं के निकाल का काम करना न पड़े, आज वही ऊना के विक्टिम्स आज इस वक्त धरने पर बैठे हैं गुजरात में, पिछले कम से कम 1.5 महीने से। यानी अडानी को, अंबानी को, एसआर को, वेदांता को, पोस्को को, टाटा को, बिरला का हो, इन सारी कॉरपोरेट कंपनियों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को बांटने के लिए आपके पास इंक्लूडिंग गौचर हजारों लाखों एकड़ जमीन है। उन ऊना के पीड़ितों को बांटने के लिए आपके पास 5 एकड़ जमीन का टुकड़ा नहीं। गुजरात के 1590 गांव में 98 प्रकार की अनटचेबिलिटी, छुआछूत आज भी जिंदा है।
हमने गुजरात की विधानसभा में सरकार को सवाल पूछा। ये जो लोग छुआछूत का प्रैक्टिस आज भी दलितों के साथ करते हैं, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ इन 1590 गांव में मुकदमे दर्ज करवाए? पूरी भाजपा की सरकार खामोश रही, एक केस में भी ऑफेंस दर्ज नहीं हुआ। आज मोदी जी को यह सवाल पूछना चाहते हैं कि सफाई कर्मियों का तो आपने पैर धो लिया, लेकिन यदि हम कहें कि मोदी जी आज सीकर में है और यदि कोई गटर खुली है तो आप आइए उस गटर में उतरिए और आप भी उस गटर में उतरकर उस आध्यात्मिकता का आनंद लीजिए जिसके बारे में कर्म योगी नाम की किताब में आपने लिखा था। उतरिए ना गटर में एक बार जीवन में, फिर आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में दलित होने का मतलब क्या होता है। हेमा मालिनी ने नाटक किया, हसुआ लेकर खेत में घुसे थे, नौटंकी चल रहा है, ये किसानों का जीवन कोई नौटंकी है? 45 डिग्री में जो किसान हसुआ लेकर गेहूं की बाली काटता है ना, उसको पूछो कि 14 घंटा खेत में खड़े रहने का मतलब क्या होता है। पेड़ पर से 4 पत्ते तोड़े अमिताभ बच्चन, सलमान खान, 2-4 फिल्म स्टार्स को बुलाया और कोई चित्रकार हल्के से स्केच बनाता हो, ऐसे झाड़ू लगाते हो और फिर कहते हो स्वच्छता का अभियान चल रहा है, भारत माता की जय का नारा लगाते हो। आज भी इस मुल्क में हजारों नहीं लाखों करोड़ों की तादाद में हमारी मां बहनें बेटियां खुले में जाने के लिए मजबूर है। क्या किया आपने इस बारे में? 10 साल के दौरान गुजरात के अंदर जो आर्मी के जवानों को रेवेन्यू कानून की प्रोविजन के मुताबिक जमीन आवंटित करने की योजना है, एक इंच जमीन का आवंटन नहीं हुआ, एक इंच जमीन का। पिछले 4 महीने के दौरान गुजरात में 25 किसानों ने सुसाइड किया, किसी को पता तक नहीं, मोदी जी के पेट का पानी भी नहीं होता। 2 दिन पहले ही इंटरनेशनल लेबर डे गया, वामपंथ के मंच पर खड़ा हूं, आज हमारी मीडिया की डिबेट से, सारे राजनीतिक विमर्श से, सब कुछ है उसमें भारत माता की जय है, उसमें हिंदू मुसलमान है, राम बनाम रहीम है, शमशान बनाम कब्रस्तान है, गाय भी है, लेकिन मजदूर शब्द का प्रयोग गायब है। ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं, जो दिन में 3 बार हम खाना खाते हैं, जिस माइक पर से हम बोल रहे हैं, ये जो पोडियम है, ये जो मंडप लगा हुआ है, ये सारी चीज वस्तु का निर्माण होता है किसी के खून और पसीने से फैक्ट्री में, उस मजदूर का कोई बात करने वाला नहीं। और आप कहे थे जब प्रधानमंत्री तब बने तब, जी मैं तो नेता नहीं कामगार हूं। जो लोग 16 घंटा ईंटों के भट्ठों में तपती धूप में खड़े होते हैं, उनको पता चलता है कि कामगार होना क्या है। जो लोग 12-14 घंटा केमिकल की फैक्ट्रियों में जाते हैं और उनके फेफड़े सड़ जाते हैं, उनको पता है कि इस मुल्क में एक मजदूर होने का मतलब क्या है। आप न किसान के हुए, न मजदूर के हुए, न दलित आदिवासी मुसलमान के हुए, अरे आप तो ईमानदारी के साथ कह रहे हैं, आरएसएस, एबीवीपी और भाजपा के अंदर जो बेरोजगार है उनके भी नहीं हुए। यदि आपकी नीयत में खोट नहीं होती और यदि आपके भगवा में थोड़ा बहुत भी सच्चाई होता तो दलित आदिवासी ओबीसी माइनॉरिटीज को छोड़िए, कन्हैया कुमार, स्वरा भास्कर, हार्दिक पटेल, शैला रसिद, जिग्नेश मेवानी को भी छोड़िए, आपके जो चहीते हैं एबीवीपी, आरएसएस और भाजपा के लोग जिनको 6 बजे चड्डी पहनाकर सूर्य नमस्कार करवाया इतने सालों, उनको 2 करोड़ रोजगार देते ना। और फिर कहा, भाइयों बहनों, मैं न खाता हूं न खाने देता हूं। अरे इतना खाए हो, ऐसे ही तुम्हारा और अमित शाह का पेट बड़ा है। इस मुल्क में तुमसे ज्यादा करप्ट टू द कोर, जिसके अस्तित्व का अणु अणु भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन 2 मनुष्यों का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और दूसरा है अमित अनिल चंद्र शाह। दोनों मिलकर ये गुजराती खड़ा है, हो सके वो उखाड़ दे, तुमको खुलकर कहते हैं। और तभी हमारे गुजरात से एक नारा आया है, रफाल में मोदी जी जो जमकर खाए
उसके बारे में गुजरात की धरती से नारा आया कि सीता मैया बहुत दुखी है मोदी के काम से, बोले ये तो सारे पैसे खा गए मेरे पति के नाम से। चार साल ग्यारह महीना विकास की बात, पहले विकास पागल हो गया था 2017 के गुजरात की विधानसभा के चुनाव के दौरान, 19 में विकास गायब हो गया है। विकास शब्द के बारे में सुनने को कुछ नहीं मिलेगा, अब सुनने को मिलेगा इमरान खान, घर वापसी, लव जिहाद, गाय माता, शमशान बनाम कब्रस्तान। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में क्या संस्कार हो गए संघ और भाजपा के लोगों का, क्या संस्कार होगा। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी के एक मंच पर से यह कहा गया कि मुस्लिम समुदाय की बहनों के शव निकालकर उनके ऊपर बलात्कार होना चाहिए। मानव सभ्यता के इतिहास में इससे भी ज्यादा गलीज और गंदी बात अब तक दुनिया के किसी कोने में नहीं की गई। ये उनके नागपुर वालों के संस्कार है कि नागपुर की नारंगियों को और किसान और मजदूर के प्रति जो गलत हमदर्दी दिखाते हैं, इन सबको ठीक कर पाए, उसी का नाम अमरा राम है। तो आप तमाम बहने माताओं को हाथ जोड़कर इस मंच पर से विनती करता हूं, केवल वोट नहीं, इनको आशीर्वाद भी दीजिए। आप तमाम छात्र नौजवानों को अपील करता हूं कि किसानों के तो नेता है, लेकिन 2 करोड़ रोजगार के मुद्दे पर आने वाले दिनों में उनके साथ खड़े रहकर हम नारा लगाएंगे कि चाहे जिसकी बने सरकार, हमें चाहिए रोजगार। चाहे जिसकी बने सरकार, हमें चाहिए रोजगार। और आखिर में कबीर साहब की पंक्ति कहकर मेरी बात को यहां पूरा करूंगा। हिंदू कहे थे राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहे थे राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दोनों लड़ई मरत है, मरम को नहीं जाना, साधु जब बोलाना। कबीर साहब, बुद्ध, बाबा साहब अंबेडकर, रामास्वामी पेरियार और शहीद आजम भगत सिंह की यह धरती है। इस मुल्क के संविधान और लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। और भगत सिंह को मुकदमे की कार्रवाई के दौरान जब पूछा गया कि क्रांति क्या है, तब शहीद आजम ने कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसान और मजदूर के हाथ में राज सत्ता। उसी किसान और मजदूर के लिए संघर्ष करने वाले कामरेड अमरा राम जी को जिताइए। एक नागरिक के तौर पे ये आपका और मेरा पहला कर्तव्य बनता है। इस कर्तव्य के पालन के लिए स्वरा भास्कर यहाँ पर आई है, इसी कर्तव्य के पालन के लिए योगेंद्र यादव आए हैं, इसी कर्तव्य के पालन के लिए हम आए। चाहे जिसकी बने सरकार, हमें चाहिए रोजगार, इस नारे को भी बुलंद करेंगे, कौमी एकता को भी बनाएंगे और किसान और मजदूरों की सारी ऐसी आवाजों को धीरे धीरे करके संघर्ष के मैदान में भी उतारेंगे और विधानसभा और पार्लियामेंट में भी भेजेंगे। जय भीम, लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद। विधायक जिग्नेश को लाल सलाम, जिग्नेश को लाल सलाम। धन्यवाद जिग्नेश भाई, देखा आपने किस तरह से एक झूठे और भ्रष्ट गुजराती को एक सच्चे गुजराती ने उदाहरण के साथ समझाया। पुणे सीकर जिले की मेहनत के जनता।